हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं कटहल की सब्जी। तो सबसे पहले हम हाथों में तेल लगा लेंगे और कटहल में भी तेल लगा लेंगे। सबसे पहले हम इनको छील लेंगे और बारीक बारीक टुकड़ों में इनको हम काट लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम एक पतीला और उसमें डालेंगे पानी। हमें पानी को तब तक गर्म करना है जब तक उसमें उबाल ना आ जाए। उबाल आने पर ही इसमें हम कटहल डालेंगे। तो ये देखिए, हमारा पानी अच्छे से उबलने लगा है और इसमें हम कटहल डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। और साथ में ही हमको इसमें कुछ तेज पत्ता और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डालना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये हमने अदरक और लहसुन तेज पत्ता डाल दिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर छोड़ देंगे। ज़्यादा इसको ढकना भी नहीं है, नहीं इसका जो भाप है इसमें अंदर ही रह जाता है और अच्छे से ये नहीं बन पाता है। ये देखिए, कुछ हमारा पानी भी अलग कलर आ चुका है। आज हम बनाएंगे वो भी हलवाई स्टाइल में कटहल। इसको हमको पलटते हुए उबालना है ताकि ये दोनों तरफ से सही तरीके से पक सके। उबलने के बाद इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे और उसमें ऑयल डाल लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने पर इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता और दालचीनी। थोड़ी सी इसमें हमने मेथी डाली है। उसे पक जाने पर इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल लेंगे और अच्छे से इनको पकाना है। पक जाने पर इसमें कुछ हम कटी हुई प्याज डाल लेंगे और उसको भी अच्छे से हमें पकाना है जब तक कि इसका कलर लाल ना हो जाए। प्याज पकने पर इसमें हम एक टमाटर भी ऐड कर लेंगे और इसको चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। आप चाहें तो इसकी ग्रेवी बनाकर भी डाल सकते हैं, पर मैंने ये काट कर ही डाला है, मुझे ऐसा ही पसंद है। तो गाइस, ये देखिए हमारी कटहल की सब्जी बनकर हो चुकी तैयार। तो कमेंट में बताना ना भूलें हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।